गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के विनी गोज टू मार्केट, इसके हमने टिक द करेक्ट आंसर्स किए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स और इसकी मीनिंग जानेंगे। आई नीड सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट बट यू आर स्लोथफुल। तो यहाँ पर फिल होगा मार्केट एंड सेकंड में फिल होगा स्लोथफुल। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपकी बुक से ही होते हैं। जैसे कि आप ये फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई नीड सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, आप पेज नंबर 13 पर देख सकते हैं लिखा आई नीड सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो ऐसे फिल करने होते हैं सभी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ चीजों की जरूरत है मार्केट से, बट यू आर स्लोथफुल, लेकिन तुम क्या हो, अभी आलस दिखा रहे हो। ये मम्मी ने कहा था उसकी, विनी की। सेकंड है विनी वॉक्स आउट ऑफ हिज हाउस। अब विनी अपने घर से बाहर मार्केट के लिए जाता है। थर्ड है हेयर इज 100 रुपी नोट। किसका नोट दिया था उसकी मदर ने, 100 रुपीज। ऐसे ही On the way he comes across Sanju and Anil। अपने रास्ते में वह किन दो दोस्तों से मिला था, संजू एंड अनिल से। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट, एक फिल इन द ब्लैंक्स और दिया हुआ है। द चिकन वॉक्स अवे एंड सून डिसअपियर्स फ्रॉम द साइट। जो मुर्गा था वो उसके बताए गए डायरेक्शन में जाने लगा और डिसअपियर हो गया, उसकी नजरों से गायब हो गया। ट्रू एंड फॉल्स। राधा सैड आई आस्क यू टू असिस्ट मी इन द किचन। राधा ने कहा था कि मैंने तुमसे अपनी किचन में हेल्प करने के लिए बोला। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने ये सेंटेंस विनी के लिए बोला था। नेक्स्ट है विनी सैड बेटर ईट द सिंपल फूड फॉर द लंच। क्या विनी ने कहा था कि लंच के लिए सिंपल फूड चलेगा, तो ये फॉल्स है, ऐसा उसने नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने कहा था यू आर रियली वीक एट मैथमेटिक्स, तुम सच में मैथमेटिक्स में बहुत वीक हो। तो ये करेक्ट है, हाँ उसने ऐसा कहा था, शॉपकीपर ने विनी के लिए कहा था। फोर्थ है संजू ब्लिंक्स टू अनिल एंड सेड, संजू ने जो है अनिल की तरफ इशारा किया था कि इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये ट्रू है। राधा टैप्स हर हेड एंड सेड, राधा ने अपना सिर पर हाथ मारते हुए कहा ओ गॉड यस, ये ट्रू है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। राइट द सीन इन विच। क्वेश्चन नंबर 1, विनी डील्स विद शॉपकीपर्स फॉर द चिकन। ये कौन से सीन में, इसमें हमें बताना है कि ये कौन से सीन में हुआ था। विनी ने शॉपकीपर से किस चिकन के बारे में बात किस सीन में की थी, सीन सेकंड में की थी। अनिल कॉल्स विनी एज एन ओबीडियंट, अनिल ने विनी को ओबीडियंट बेटा, ओबीडियंट सन कहा था, कौन से सीन में कहा था, सीन थर्ड में। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है राधा सेंड्स विनी टू बाय चिकन एंड साल्ट। राधा ने विनी को चिकन एंड सॉल्ट खरीदने के लिए भेजा था, किस सीन में भेजा था, सीन फर्स्ट में भेजा था। राधा टैप्स हर हेड, राधा ने अपने माथा पर हाथ मारा था, कौन से सीन में, सीन फोर्थ में, जब वह देखा जब उसने देखा कि विनी ने चिकन को घर के लिए भेज दिया और उसकी बेवकूफी को वो समझ गई, तो उसने अपना हाथ सिर पर हल्का सा मारा। फिफ्थ है विनी पुट्स द बैग इन शैलो वाटर, विनी ने जो सॉल्ट का बैग था, अपना बैग था, वो पानी में रखा, कौन से सीन में, सीन थर्ड में। विनी टेल्स द चिकन द डायरेक्शन ऑफ द हाउस एंड रिलीज इट, जो विनी है उसने मुर्गे को अपना डायरेक्शन, अपने घर का डायरेक्शन के लिए दिखाया, तो ये कौन सा सीन था, सीन थर्ड था। विनी रिक्वेस्ट राधा टू
टू लेट हिम रेस्ट अंडर द ट्री। विनी ने रिक्वेस्ट किया राधा से पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए। तो कौन सा सीन था? सीन फर्स्ट था। तो आज के बुक वर्क में आपको यही करना है केवल। क्वेश्चन नंबर बी आप फिल करेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर सी एंड डी केवल आपको ये बुक में फिल करना है और लर्न करना है। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके, चलिए इससे आगे का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।